आज हमारे जो बलिया में जो हमारी महिला आरक्षी हैं उनके साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, क्योंकि वो अपने घर परिवार सबको छोड़ करके हमारे बलिया वासियों के लिए इस त्यौहार में सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, उनके त्यौहार अच्छे से मने इसके लिए काम कर रही हैं। आज बलिया में तो कई कार्यक्रम एक साथ हो रहा है, आज बलिया बलिदान दिवस भी है, रक्षाबंधन भी है, महावीरी झंडा भी निकल रहा है, उसमें सभी हमारी बहनों का भी बहुत बड़ा जो आरक्षी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वो अपने त्यौहार को छोड़ करके हम सब के त्यौहार बनाने के लिए अपने आज यहाँ पर वो एकत्रित हैं, तो मैंने कहा कि इन्हीं से आज हम अपने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुरू करें। आज रक्षाबंधन है, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री है, कितनी महिलाओं का गणमानन आज यात्रा करेंगी इस त्यौहार पर? मैं इसका सही अंदाज़ा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ऊपर हमारी माताएं बहनें, हमारी जो 12,500 बसें हैं उसमें आज यात्रा करेंगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।